क्या पूर्णिमा के समय अधूरा चांद दिख सकता है? जवाब है जी हाँ, बशर्ते उस रात चंद्र ग्रहण हो। मंगलवार 8 नवंबर यानी आज एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है जो भारत से केवल आंशिक रूप से दिखाई देगा। पूर्ण और आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या अंतर होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में क्या अंतर होता है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? हम चंद्र ग्रहण कैसे देख सकते हैं? आइए आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने के कारण होती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा पर ही संभव है, लेकिन हर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं होता। संयोगवश चंद्रमा सूर्य से लगभग 400 गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में पृथ्वी के लगभग 400 गुना करीब, लिहाजा इन दोनों का आकार आकाश में लगभग एक समान दिखाई देता है। इसीलिए जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एकदम सीधी रेखा में हो और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की गहरी छाया को प्रछाया कहा जाता है और हल्की छाया को उपछाया। यदि केवल हल्की छाया या उपछाया चंद्रमा पर पड़े तब भी चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन ये छाया इतनी धुंधली होती है कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। दूसरी ओर यदि गहरे रंग की छाया या परछाया चंद्रमा पर पड़े तब चंद्र ग्रहण आसानी से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूर्णिमा के समय भी अधूरा दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा एकदम काला नहीं दिखाई देता। वहीं भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बता रहे हैं खगोल वैज्ञानिक मोहित जोशी। नमस्कार, मैं मोहित जोशी रीज नैनीताल से। आप सब लोग सुन ही रहे हैं कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो देखिए होता क्या है चंद्र ग्रहण में, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब चूंकि कल को पूर्णिमा भी है तो क्या पूर्णिमा को आधा चांद देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब उस दिन पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़े, और ऐसा 8 नवंबर को होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा के ऊपर आती है, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और कल का जो चंद्र ग्रहण है वो आंशिक चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा के उगने के समय में ये ग्रहण लगेगा और कल इसको शाम के समय में भारत के कई हिस्सों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जितना रोमांचक तो नहीं होता, लेकिन चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि एक वर्ष में कितनी बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। एक वर्ष में कुछ ही चंद्र ग्रहण संभव हैं, और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ था, आपने हो सकता है देखा भी हो। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जोड़े में होते हैं, और ग्रहण को लेकर हमारे देश में कई सारे अंधविश्वास हैं, मिथक हैं। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सब अंधविश्वास है, आप इन पे भरोसा ना करें। और अगर आप कल नैनीताल के आसपास हैं तो कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच एरीज नैनीताल में हम चंद्र ग्रहण लोगों को दिखाएंगे। आप सभी का स्वागत है, और जो लोग नहीं आ सकते वो हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से इसको लाइव देख सकते हैं। तो ये एक मनमोहक खगोली घटना है, इसका कल आप सभी लोग आनंद लीजिए और अंधविश्वासों पर भरोसा ना करें। धन्यवाद। पूर्णिमा पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही होती है, लेकिन सामान्यतः वह एकदम सीधी रेखा में नहीं होते। ऐसा इसीलिए क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा एक प्रतल में नहीं होती है, उनके बीच लगभग 5 डिग्री का कोण होता है। इसके कारण पूरे वर्ष में आकाश में चंद्रमा के पथ और सूर्य के आभासी पथ में 2 प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। जिस बिंदु पर चंद्रमा सूर्य के आभासी पथ से ऊपर आता है उसे आरोही या उत्तरपात कहा जाता है, और जिस बिंदु पर ये नीचे जाता है उसे अवरोही या दक्षिणपात कहा जाता है। इन दोनों पातों का प्राचीन भारतीय ज्योतिर्विज्ञान में राहु और केतु के रूप में जाना जाता था। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।